हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो चुकी है रात और रात के मैं खाने की तैयारी में हूँ। इधर खीर बनाने के लिए मैंने नारियल को क्रश कर रही हूँ। इधर श्रेयांशु सृष्टि भी बैठे हुए हैं, देखिए नारियल को खा रही है और इधर मैं नारियल को खस रही हूँ ताकि मैं सेवई बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँ। और रात भी हो रखी है, मैं रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इधर देखिए तो मैं फटाफट से नारियल को खस रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं खाना वाना बना सकूँ। इधर सृष्टि हमारा वीडियो बना रही है और उसका पैर देख रहा है। इधर देखिए तो ये नाइट का समय है तो आप लोग देख सकते हैं मैं काम में बिजी हूँ। तभी हो चुकी है मॉर्निंग और मॉर्निंग के 5 बज चुके हैं। इधर सृष्टि अभी सो रही है और मैं चलती हूँ फटाफट से काम करने। मैं आ गई हूँ किचन में तो फटाफट से इंडक्शन को पोंछ लेती हूँ, उसके बाद से पानी डुबो के मैं फिर गैस को पोंछूँगी। और इधर सामान सारे बिखरे हुए हैं तो इधर उधर से अच्छे से मैनेज करूँगी। इधर बाहर देखिए एकदम ठंडा मौसम हो रहा है बहुत, हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो मैं फटाफट से गैस वैस पोंछ के और इस रैक को भी पोंछ लेती हूँ। बाकी जगह तो मैंने पेपर बिछा के रखी हूँ क्योंकि हमारे रैक पर टाइल्स नहीं लगा हुआ है तो इसलिए मैं पेपर से ही काम चला लेती हूँ। तो इधर मैं पोंछ पोंछ के अभी नीचे का पोछा मारने जा रही हूँ। तो इधर देखिए मैं फटाफट से नीचे का भी पोछा मार ले रही हूँ क्योंकि सुबह उठना तो अकेला जब इंसान होता है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इधर मैं फटाफट से लगी हुई हूँ ताकि मैं पोछा मारूँगी। तो पोछा वोछा मार के फिर और भी सारे काम होते हैं हम लेडीज़ों को, जो लेडीज़ हैं हाउस वाइफ हैं उनको पता ही होता है हमारा रूटीन। उसके पास से मैंने पोछा मारा, उसके पास से पूरे घर में झाड़ू लगाया। मैं इधर फटाफट से सुबह का झाड़ू लगा रही हूँ जो कि पूरे रूम में लगाती हूँ क्योंकि सुबह घर को बासी नहीं रखना चाहिए, पूरे घर में झाड़ू लगाना चाहिए। उसके बाद से मैं झाड़ू उड़ू मार के इधर आई तो मैंने रात में चना और इधर बादाम भिगो के रखे हुए थे क्योंकि कोई कोई चाय सुबह में पीता है कोई नहीं पीता है तो जिसको खाना होगा वो खा लेगा। और इधर मैंने सारे बर्तन वर्तन धुल के भी अच्छे से रख दिए हैं, चने को भी ढक दे रही हूँ ताकि इसमें कुछ पड़े ना। इधर श्रेयांश भी अपने बिस्तर पर से उठ के आके और सृष्टि के पास ही सोया हुआ है तो मैं इसे बोल रही हूँ कि उठ जाओ। इधर मैं नहा वहा चुकी हूँ और नहा वहा के मैं कपड़े वपड़े चेंज कर दी हूँ। बाकी सब लोगों को मैंने चाय भी पिला दिया, मैं सबको चाय वो पिला देती हूँ उसके बाद से ही नहाती हूँ। वो मैं नहा के पूजा करने के बाद ही चाय पीती हूँ। तो मैं चलती हूँ अपने पूजा वाले घर में जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। बहुत हाई फाई तो नहीं है, हम लोगों का साधारण सिंपल सा है मंदिर जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। तो इधर देखिए श्रेयांश ने इतने सारे फूल तोड़ के लाए और इतने अच्छे फूल हैं। ये फूल जो है हमारे 6 महीने में ही निकलते हैं, 6 महीने तक वो मतलब नहीं फूलता है, 6 महीने के बाद ही फूलता है। और ये फूल काफ़ी बड़ा होता है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है, आप लोग देख सकते हैं। तो भोलेनाथ को सफ़ेद फूल पसंद है इसलिए मैं वही फूल मंगवाई हूँ और भोलेनाथ को चढ़ाऊँगी। तो इधर मेरा पूजा हो चुका है कंप्लीट, तो मैंने दिया बत्ती जला के भोग लगा के फूल चढ़ा दिया है। और इधर मेरे पति देव ने लाया था खेत से टमाटर, जो देसी टमाटर होते हैं छोटे ही होते हैं। इधर मैं बना रही हूँ पपीते की कद्दू की सब्जी, तो खट्टी मीठी वाली जो होती है ना वही बना रही हूँ। इधर मैंने आलू बोड़ी और प्याज काट के रख दिया है। इधर मैं स्विच को दबा देती हूँ और फिर मैं बिजी हो गई हूँ अपने किचन में सुबह की तैयारी में। तो इधर मैं आम का अचार जो होता है उसे छोटा छोटा करके उसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छे से इसमें से मिक्स हो जाए। और उसके बाद से मैं इसमें डालूँगी चीनी, तो मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी एक हाथ से चीनी का डब्बा खोले तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा चीनी, हल्दी, मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। और उसके बाद मैंने डाला इसमें थोड़ा सा नमक और मैं इसमें लहसुन और लाल मिर्ची का तड़का लगाई थी तो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर सृष्टि भी उठ के आ गई है तो सबका खाना पीना हो गया। इधर बर्तन रख दी हूँ मैं धोने के लिए और बाकी बर्तन वो भी खाली करूँगी धोने के लिए। इधर सृष्टि नहा के आ चुकी है तो इसको ठंड लग रही है क्योंकि हमारे यहाँ देख सकते हैं कितने मौसम ठंडा हो रखा है, एकदम काले घने बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। शायद मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इधर हमारे घर पे आ जाए थे सुपारी काटने वाले लोग क्योंकि शाम के वक्त में थोड़ा सा धूप हुआ था। तो ये हमारे घर का सुपारी है जिसे तामुल कहते हैं, सुपारी कहते हैं। तो हम लोगों ने
इस पेड़ को एक साल में एक बार बेचा जाता है। और इधर भी देखिए कितने सारे आदमी लगे हैं तोड़ने और काटने के लिए। तो ये लोग अपने काम में व्यस्त हैं, तामूल को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं और बोरी में भर रहे हैं। तो उसके बाद से ये लोग लेके जाएंगे। और देखिए लाल लाल बोरियों में सारा वो तामूल ही भरा हुआ है और इसको पीट पीट के निकाल दें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी को रा